जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में कुछ इन्फॉर्मेटिव और इंजॉयफुल टॉपिक पर बात करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। सब्सक्राइब करें। आपको ये जानकर खुशी होगी और साथ ही साथ आश्चर्य भी होगा कि विज्ञान की शाखा, या फिर यूं कहे कि हमारी स्टडी में जो मैथ होती है, वो अंक ज्योतिष शास्त्र पर भी डिपेंडेंट होती है। आपने अगर बचपन पर सवाल किए होंगे, 9th 10th इंटर में मैंने किए, तो उसमें क्या होता है कि आप माना करके किसी क्वेश्चन को करते हैं, मान लिया, इमेजिन कर लिया, और लास्ट में आप क्या देखते हैं कि वो प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में मैथ छिपी हुई है। अब कैसे? जैसे कि हम ब्रह्मांड में मानते हैं कि एनर्जी होती है जो यूनिवर्स है हमें मैसेज देता है, या फिर यूनिवर्स की पावर हमारे पास तक आ रही है, कुछ भी हम ऐसा इमेजिंग कर लें, या फिर हम ये मानते हैं कि ये चीज मुझे कभी ना कभी मिलेगी। तो आप वक्त के साथ ये देखेंगे कि आपने जो माना था, इमेजिंग किया था, वो रियल हो गया, वास्तविक हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पर काम कर रहा है और मैथ भी इसी पर काम कर रही है, तो इतना इसमें समानता है। अच्छा, एक वैज्ञानिक थे टेस्ला, अगर आपने सुना हो तो वो अपनी लाइफ में 3, 6 और 9 का सबसे ज्यादा यूज करते थे। वो ऐसा मानते थे कि ब्रह्मांड के सफलता की चाबी इन्हीं 3 नंबर्स पर डिपेंड है। ये 3 नंबर्स ही है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अब कैसे? वो अपनी लाइफ में अगर कोई चीज परचेज करते थे, कोई चीज खरीदते थे, तो पहले उसके प्राइस देखते थे, और प्राइस में क्या देखते थे, अगर कोई प्राइस 3 से पूरा पूरा कट जाता था, भाग चला जाता था, जैसे कोई 99 की कोई चीज है, तो उस चीज को वो खरीद लेते थे, वरना उस चीज को नहीं खरीदते थे जो 3 से कटता नहीं था। ऐसा उनके बारे में एक मान्यता है, क्योंकि वो 3, 6, 9 का बहुत बड़ा प्रयोग अपने जीवन में अप्लाई कर रहे थे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि ये सब जो साइंस ने आज तरक्की की है, वो हमारे महापुरुषों ने, महात्माओं ने पहले ही सब कुछ प्रूफ कर दिया था। अंक ज्योतिष शास्त्र हमारे सनातन धर्म की बहुत पुरानी, पुरानी से पुरानी एक हमारे पूर्वजों की देन है, तो हमें उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे भी एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन ये है कि मैं आपको जो नॉलेज देता हूँ एंजल नंबर्स के बारे में, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक कीरो नाम के एक विदेशी गणितज्ञ थे, या यूं कहे कि वो ज्योतिषी थे, और उन्होंने भारत आकर ही ज्योतिष विद्या शिक्षा ली थी, अंक ज्योतिष शास्त्र की, अंक ज्योतिष विद्या की शिक्षा ली थी। तो मैं उनकी किताब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़कर, समझकर, अपने ऊपर यूज करके, समाज को समाज में देखकर, मतलब बहुत सारे प्रयोग करने के बाद आपको पहुंचाता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।